हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेलर एकेडमी। आज का लेक्चर है इंटीग्रेशन नंबर 10। नेक्स्ट टाइप हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, अलजेब्रिक्स निपट लिए, अब ट्रिग्नोमेट्री को तरफ देखेंगे। अभी ये जो टाइप है इसमें क्या होगा ना, लास्ट टाइप जैसा ही साइन और कॉस नीचे है, लेकिन इस बार ऊपर भी साइन कॉस है। ये चीज याद रखिए, ए बी सी डी में कोई भी जीरो भी हो सकता है। तो लॉजिक ऐसा है कि इट कैन बी 3 sin / 4 sin + 5 cos, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ भी जीरो हो सकता है। इसके साथ साथ है ना, पैकेज में ये भी टाइप आ जाता है, ये भी टिकटो मैच करता है। ए रेस टू एक्स प्लस बी अपॉन सी रेस टू एक्स प्लस डी, ए बी सी डी में से कुछ भी कांस्टेंट होगा तो भी चलता है, सॉरी कुछ भी जीरो होगा तो भी चलेगा। चलिए मेथड देखते हैं क्या करेंगे। आपको याद है वो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वाला टाइप, जिसमें हमने न्यूमरेटर को डिनोमेटर से डिवाइड किया था और फिर न्यूमरेटर को लिखा था डिनोमेटर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। सेम कुछ वैसा ही खेल यहाँ पे भी है। न्यूमरेटर एन आर इज इक्वल टू ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये कब करना है, जब ऐसे टाइप दिखे। वापस बोलता हूँ, न्यूमरेटर को क्या लिखना है, ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। फिर वो इक्वेशन सॉल्व मिलेंगे आपको कंपेयर करने, वो एग्जाम्पल में समझेगा ऐसे नहीं समझेगा, इक्वेशन मिलेंगे कंपेयर करने, ए और बी ढूंढने। और एक बार ए और बी मिल गए तो न्यूमरेटर, इंस्टेड ऑफ न्यूमरेटर यू ट्राई टू राइट डाउन दिस। कैन यू सी दिस, ये बनेगा ए टाइम्स डी आर b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ dr अपॉन dr। तो dr dr इधर कैंसिल हो जाएंगे स्प्लिट करते वक्त, और यहां पे डेरिवेटिव ऑफ dr अपॉन dr मतलब f डैश अपॉन f। तो सेपरेट करने के बाद पहला इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इट इज dr अपॉन dr एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ dr अपॉन dr मतलब वो log ऑफ dr। तो बहुत इजी टाइप बन जाता है उसकी वजह से। चलिए सम सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये सम देखते हैं। चलिए तो क्या बोला था मैंने, साइन कॉस अगर ऐसा हुआ तो व्हाट डू यू राइट एन आर इज इक्वल टू ए टाइम्स डी आर प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डी आर, राइट। तो एन आर मतलब क्या, 3 sin x - 4 cos x इज इक्वल टू ए टाइम्स डिनोमिनेटर, क्या है वो 2 sin x + 5 cos x प्लस बी टाइम्स इसी का डेरिवेटिव, तो 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x और 5 cos x का डेरिवेटिव -5 sin x। अब कंसेप्ट कैसे है ना, आपको यहां पे ऐसे कंपेयर करना है, जो मैंने बोला था ना सॉल्व फॉर ए एंड बी। तो आपको साइन एक्स और कॉस एक्स के कोएफिशिएंट ढूंढने हैं, तो साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या क्या होगा वो ढूंढने हैं। ठीक है, तो चल यहां पे साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3 = यहां पे 2a और यहां पे -5b। ओके, वैसे ही कॉस एक्स का कोएफिशिएंट हम लोगों को ढूंढना है, तो कॉस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -4 = क्या आएगा, कॉस का 5a और यहां पे क्या आएगा +2b, राइट। हम लोगों को ऐसे इक्वेशंस आ गए। तो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है, हम इनको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस है, आपको ये सॉल्व करना आता है। तो ये आपका ए आएगा -14/29 और आपका बी आएगा -23/29, वी कैन वेरीफाई आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, देयरफॉर मुझे क्या मिला, न्यूमरेटर इक्वल टू ए टाइम्स दिस प्लस बी टाइम्स दिस, देयरफॉर कैन आई राइट दिस इंटीग्रेशन आई। थोड़ा गंदा दिखेगा बट समझ लीजिए, तो -14/29 आई एम रिप्लेसिंग न्यूमरेटर। ठीक है, तो ऐसे तो ये आएगा 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस बी क्या है आपका -23/29 2 cos x -5 sin x है कि नहीं, ओके, अपॉन 2 sin x प्लस 5 cos x। नेक्स्ट स्टेप विल स्प्लिट इट, तो स्प्लिट करेंगे तो -14/29 इंटीग्रेशन दिस बाय दिस इज सिंपल वन प्लस -23/29 इंटीग्रेशन ये आएगा 2 cos x -5 sin x अपॉन 2 sin x। ये क्या हुआ था, इसका डेरिवेटिव निकला था राइट 5 cos x dx। तो जी हाँ, ये बनेगा -14/29 1 का इंटीग्रेशन x -23/29 f डैश अपॉन f का आंसर log ऑफ मॉड ऑफ, दैट्स इट। Now, अब देखिए, जैसे कि ये सम, अरे यार तो साइन कॉस के वर्जन में नहीं दिख रहा है, बट अगर टैन है तो हम इसको साइन कॉस कर सकते हैं, राइट। व्हाट इज टैन, साइन बाय कॉस, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आएगा 3 sin x - 4 cos x
और कॉस्ट ऊपर भी जाएगा। इनफैक्ट आप चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ, चलो मैं डायरेक्ट लिख दूं, डेरिवेटिव क्या आएगा, थ्री कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स, राइट। नाउ अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स करेंगे, क्या है साइन एक्स का कोएफिशिएंट, यहां पे जीरो, यहां पे क्या आएगा थ्री ए प्लस यहां पे क्या आएगा फोर बी, राइट। और कोएफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स क्या आएगा, आपका कॉस एक्स कोएफिशिएंट यहां पे एक्चुअली टू बोल सकते हैं बट अभी के लिए वन, क्योंकि टू मैंने बाहर निकाला था, तो वन इज इक्वल टू माइनस फोर ए प्लस थ्री बी, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इनको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को ए क्या आएगा, ए आएगा माइनस फोर बाई ट्वेंटी फाइव और बी क्या आएगा आपका थ्री बाई ट्वेंटी फाइव, तो वही आय क्या बन जाएगा, पहली बात तो टू बाहर है मेरा, कॉस एक्स क्या है ये, मतलब ए क्या है माइनस फोर बाई ट्वेंटी फाइव थ्री कॉस एक्स, सॉरी 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 थ्री साइन एक्स माइनस फोर कॉस एक्स प्लस बी क्या है आपका थ्री बाई ट्वेंटी फाइव थ्री कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स टोटल अपॉन क्या आएगा ये थ्री साइन एक्स माइनस फोर कॉस एक्स डी एक्स, तो ये आगे जाके बनेगा टू, ये आएगा माइनस एट बाय ट्वेंटी फाइव इंटीग्रेशन वन डी एक्स प्लस दिस इनटू दिस सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव इंटीग्रेशन थ्री कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स अपॉन थ्री साइन एक्स माइनस फोर कॉस एक्स डी एक्स, जिसको आगे सब बन के सॉल्व होंगे, माइनस एट बाय ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव लॉग ऑफ मॉड ऑफ थ्री साइन एक्स माइनस फोर कॉस एक्स प्लस सी, दैट्स इट। चलिए आखिरी सम है, जल्दी से खत्म करते हैं, सेम टाइप है, तो दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स डिनोमिनेटर टू ई रेस टू एक्स माइनस फाइव प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो आएगा सिंपली टू रेस टू एक्स, देन हम लोग कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे ई रेस टू एक्स का और कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे कांस्टेंट का, ठीक है। चलिए ई रेस टू एक्स कोएफिशिएंट क्या है, थ्री इज इक्वल टू टू ए प्लस टू बी, राइट, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है, फोर इज इक्वल टू माइनस फाइव ए, तो यहां से आपका ए तो बहुत इजीली आ जाता है हमेशा माइनस फोर बाय फाइव, प्लीज वेरीफाई, और ये आ गया माइनस फोर बाय फाइव, तो ये आएगा अपना तो आपका बी आएगा ट्वेंटी थ्री बाय टेन, आप क्रॉस वेरीफाई बाद में कर लीजिए, कुछ मिस्टेक हो तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो। देयरफॉर व्हाट्स योर आई इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज न्यूमरेटर इज ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर टोटल अपॉन डिनोमिनेटर, एंड लास्ट स्टेप आपको पता ही है क्या करते हैं हम लोग, तो माइनस फोर बाय फाइव दिस बाय दिस इज वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस ट्वेंटी थ्री बाय टेन दिस बाय दिस इज एफ डैश अपॉन एफ, तो इट्स अ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, दैट्स इट फॉर टूडे, थैंक यू।